नमस्कार, इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय के बाहर से। और जैसा कि कल करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम ने आप लोगों को दिखाया था किस तरीके से एमसी बलविंदर सिंह जो कि उस समय वहां पर पहुंचे थे जब बुड्डाखेड़ा गांव में एक अवैध तरीके से बनाई गई कॉलोनी पर पीला पंजा चलाया जा रहा था, जिसके बाद हालांकि देर रात उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, जिसके विरोध में परिवार के लोग हो शहरवासी हो वो आज जिला सचिवालय पहुंचे हैं। और हालांकि अभी तक जो जानकारी मिली है कि उन्हें कोर्ट में पेश कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जो है भेजा गया है और कल उनकी जमानत लगाई जाएगी। फिलहाल इस समय जो परिवार के लोग हैं जो शहरवासी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं उनका कहीं ना कहीं गिरफ्तारी के विरोध में और कल जो है उनकी जमानत के लिए जो है गुहार लगाई जाएगी। लाइव तस्वीरें लगातार हम लोग आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। कल के बारे में एक बार हम आपको बताना चाहेंगे किस तरीके से बुड्डाखेड़ा गाँव में एक अवैध तरीके से बनाई गई जो कॉलोनी है उस पर पीला पंजा जब चलाया जा रहा था तो एमसी बलविंदर सिंह वहां पर पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं वहां पर जो नगर निगम के अधिकारी थे उन्हें वहां पर पीला पंजा चढ़ाने से रोकते हैं, क्योंकि उनका यही कहना था कि गरीब लोगों ने अपनी रोजी रोटी जो है जोड़ जोड़ कर जो उनकी कमाई थी उसे जोड़ कर घर बनाए हैं और उन पर इस तरीके से पीला पंजा ना चलाया जाए। हालांकि उसके बाद रात को 11 बजे के करीब उनके घर में पुलिस की टीम पहुंचती है और उन्हें गिरफ्तार जो है किया जाता है, कानूनी कार्यों में बाधा डालने की वजह से जो है उनको गिरफ्तार किया जाता है। और फिलहाल आज सभी परिवार के लोग गाँव जो शहरवासी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। परिवार के लोगों का आरोप है कि जो पुलिस की टीमें कल रात को घर पर पहुंची थी उनके द्वारा चाहे घर की महिलाएं हो बेटियां हो उनके साथ भी काफी बुरा व्यवहार किया गया और थप्पड़ जो है वो भी जरूर मारे गए। हालांकि ये फिलहाल परिवार के लोगों का कहना है, जो उनकी बेटी है वो यहाँ पर मौजूद है, उनकी वाइफ यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। आप लोगों से लगातार यही अपील है कि इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। लाइव तस्वीरें हम लोग आपको इस समय करनाल के जिला सचिवालय से दिखा रहे हैं और आप लोगों से यही अपील कि इन वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। उनकी बेटियां यहाँ पर दोनों मौजूद हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ पूरा वाक्य था और फिलहाल अंदर अभी वो पहुंचे हैं, क्या कुछ जवाब अभी तक जो है आपको मिल पाया है? अभी तक तो यही जवाब मिला है कि अभी बेल को आगे एक दिन के लिए कर दिया गया है ट्रांसफर, देखो अभी क्या होता है, अभी कुछ नहीं पता लग रहा। तो कल आपके फादर जो हैं वो कॉलोनी को ना तोड़ा जाए, जो घर बनाए गए हैं उन्हें ना तोड़ा जाए इसके लिए वहां पर पहुंचे थे, फिर भी उनके साथ ऐसा कुछ जो है व्यवहार किया जा रहा है, क्या कुछ इसके पीछे का कारण समझते हैं? कारण फिलहाल हमें कुछ इतना समझ नहीं आ रहा जितना हमें लग रहा है कि वो अपना केस अपना बचाने के लिए, अपना पक्ष बचाने के लिए वो उनपे दबाव डाल रहे हैं ताकि वो केस वापस ले लें, बट अब ऐसा तो होगा नहीं। अब जैसे रात को पापा को उठाया गया कि सेम ग्रीवियस केस तो उनका भी है, सेम लेवल का केस था ना, तो डीटीपी को भी उठाया जाए वहाँ से, अब वैसे ही उठाया जाए जैसे पापा को लेके गए हैं। बराबरी दोनों साइड होनी चाहिए, इक्वालिटी दोनों साइड होनी चाहिए। अगर वो इस केस को ग्रीवियस मान रहे हैं, सीए स्टाफ वाले आ रहे हैं, इतने जने आ रहे हैं उठाने के लिए, तो सेम उनको भी उठाना चाहिए क्योंकि हमने भी केस उनकी तरफ फाइल किया हुआ है। तो मैम, घर बनाए गए हैं और घर को तोड़ा जा रहा है, सवाल ये भी उठता है कि वहाँ पर बिजली के कनेक्शन क्यों हैं, वहाँ पर सिवेज सिस्टम्स क्यों लगाए गए, वहाँ पर पानी के कनेक्शन क्यों हैं, वहाँ की रजिस्ट्रियाँ क्यों की गई, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं पहले ही रोक लगाई जानी चाहिए इन सब चीज़ों पर, या इंतजार किया जाता है कि पहले घर बने, लोगों का जो है उस पर अपनी पूरी कमाई लोग उस पर लगा दें और उसके बाद उस पर आकर पीला पंजा चला दिया? इनको स्टार्टिंग से ही देखना चाहिए था कि अवैध कॉलोनी है, जैसी रजिस्ट्री हुई है, जैसी रजिस्ट्री उन्होंने की है वैसे ही रोक देनी चाहिए थी उनको कि हाँ ये अवैध है। उन्हें लोगों को बताना चाहिए था कि यहाँ पर ये टूट सकता है, ये सरकार के खिलाफ की चीज़ है, बट उन्होंने उनकी रजिस्ट्री भी की, उनको मीटर्स भी प्रोवाइड किए, बिजली के बिल भी आ रहे हैं उनके रेगुलर, और फिर उस सब के बाद वो एकदम से आएंगे घर तोड़ेंगे तो लोगों का तो गुस्सा जायज़ है कि उन्होंने, क्योंकि बहुत मेहनत की कमाई होती है, किसी का अपना घर बनाना बहुत मेहनत की कमाई होती है, पता नहीं कहाँ से जोड़ते हैं कहाँ से नहीं। तो अगर अब पापा के वार्ड में पढ़ते हैं तो उनको तो फोन करेंगे कि आपके एरिया में तोड़फोड़ हो रही है, तो वैसे ही उनको फोन आया और वो वहाँ गए हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि मत करो मत करो, बट स्टिल अब जब वो प्रशासन उनको उल्टा बोल रही है लोगों को तो वो तो भड़केंगे ही ना। बट मुझे नहीं पता क्यों पापा का नाम बीच में ले दिया गया है, इतना कोई ग्रीवियस केस नहीं था जितना बना दिया गया। पहले भी वार्ड उन्हीं के ही वार्ड में काफी बार ऐसा हुआ कि अवैध कॉलोनियों का जो है उन पर पीले पंजे चलाए गए, तो क्या कुछ इसके बारे में कहना चाहिए? पहले भी ऐसे सेम केसेस हुए हैं, बट ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि आप रात को शाम को केस किया और रात को आप ऐसे आ रहे हो घर पे,
और बात ये भी नहीं है कि चलो केस है, अगर आपको केस के अकॉर्डिंग उठाना है उठाना है, पर एक डेकोरम होता है। इतनी बदतमीजी से बात करेंगे वो लोग, इतने बदतमीजी से। हमने जैसे उनसे सर्च वारंट मांगा और अरेस्ट वारंट मांगा, उन्होंने कुछ नहीं प्रोवाइड किया हमें। हमें एटलीस्ट एक कॉपी देनी चाहिए थी उनको, जो एज रूल्स के हिसाब से होता है कि आप दिखा के फिर लेके जा सकते हो, बट उन्होंने कुछ नहीं किया। वो बहुत बदतमीजी से आए और घर में के साथ भी बदतमीजी। हाँ, लेडी पुलिस आगे नहीं आई, जेंट्स पुलिस आगे आगे बदतमीजी से बोल रही थी और हमें हटा रही थी, जबकि हम बस यही कह रहे थे कि आप आराम से बात कर लो, आराम से बात करके फिर ले जाओ। बट नहीं, वो तो छीना झपटी पे थे, उन्होंने जैसे पकड़ा घसीटा। बुजुर्गों को धक्के लगे, मेरे दादाजी की चोट लगी है, तो बहुत बुरा था कल रात। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर बलविंदर सिंह जी की बेटी जो है वो मौजूद थी। हालांकि अवैध तरीके से बनाई गई जो कॉलोनीज है उन पर नगर निगम की जो टीमें हैं वो काफी बार जो है कार्य करती हुई नजर जरूर आती है, लेकिन बड़ा सवाल फिलहाल ये उठता है कि आखिरकार उन कॉलोनीज में रजिस्ट्रीज क्यों होती है, उन कॉलोनीज में कनेक्शन क्यों दिए जाते हैं, वहां पर प्लॉट क्यों बांटे जाते हैं, और आखिरकार तब तक वहां पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती जब तक वहां पर कोई घर नहीं बनता। और जैसे ही वहां पर घर बन जाते हैं लोग अपनी मेहनत की कमाई उस पर लगा देते हैं, उसके बाद वहां पर पीला पंजा चलवा दिया जाता है। और ऐसा एक बार नहीं, पिछले कई सालों में काफी बार ऐसे वाक्य जो है देखने को मिले हैं। और वही आज की अगर हम बात करें, जिस तरीके से कल जो है जब इसी तरीके से बुड्डागेड़ा गांव में एक अवैध कॉलोनी पर पीला पंजा चलाया जा रहा था, तो वहां के जो स्थानीय पार्षद है वो वहां पर पहुंचते हैं घर को तोड़ने के रोकने के लिए, क्योंकि उनके द्वारा भी यही कहा गया कि गरीब लोगों ने अपनी मेहनत से जो है घर बनाए हैं, अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें इस तरीके से ना तोड़ा जाए। और उसके बाद सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप पर जो है, गुनाह पर जो है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिलहाल अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो शहरवासी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और उनके द्वारा एक यही अपील की जा रही है कि कहीं ना कहीं उन्हें छोड़ा जरूर जाए। हालांकि बेल की अगर हम बात करें उसके लिए कल जो है एक बार फिर से अर्जी यहाँ पर लगाई जाएगी। कई दिग्गज लोग जो है, चाहे हम लोग किसान यूनियन से जुड़े हुए लोगों की बात करें, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोगों की बात करें, वे सब भी यहाँ पर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं यही एक जो परिवार के लोगों के साथ जो है उनको अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ हमारे साथ यहाँ पर और महिलाएं भी मौजूद हैं। तब जाके प्लाट कटते हैं, तब जाके उनपे रजिस्ट्री होती है या जो भी उनको छोटा मोटा कागज देती है गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, तब उसमें घर बनता है। घर बनने से पहले नक्शे भी पास होते हैं, तो अगर नक्शा पास नहीं होता तब नगर निगम कहाँ से हो रहा था? उनकी नींवों पे ही हमला करके खत्म कर देते ना, उनके आशियाने उजाड़ रहे हो आप। ऐसे में पार्षद जाए भी ना, पार्षद देखे भी ना, गरीब लोग हैं यार, इतना तो निजाज ना करो। और ये तो बिल्कुल ही गलत है, सीएम के लिए तो निंदनीय है कि ना तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर छोड़ा, ना उन्होंने जनता के रखवाले छोड़े। खुद तो ये उनका धर्म था, खुद आते और समझाते, लेकिन अपना खुद है कहीं, सबको सड़क पे लावारिस कर दिया, शहर में व्यवस्था ही खराब कर दी। ये गलत है, बिल्कुल निंदनीय है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, एक बार मैं आपको वो बैनर दिखाना चाहूंगी, वो पोस्टर दिखाना चाहूंगी, जिसके नीचे आज ये सभी जो लोग हैं वो यहाँ पर आज बैठे हैं। आप लोग ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कनाल ब्रेकिंग न्यूज पर, लगातार हम लोग आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर जनप्रतिनिधि बलविंदर सिंह वार्ड नंबर 2 से पार्षद करनाल को न्याय दिलवाने हेतु धरना प्रदर्शन यहाँ पर जो है लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। गरीबों की आवाज उठाने पर शहर के ईमानदार पार्षद बलविंदर सिंह के खिलाफ गलत मुकदमा दर्ज करके पुलिस प्रशासन द्वारा आधी रात को नाजायज कार्यवाही के खिलाफ वार्ड वासियों एवं करनाल वासियों का धरना प्रदर्शन। तो इस बैनर के तहत जो है सभी फिलहाल यहाँ पर जो शहरवासी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, बलविंदर सिंह के जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और उनका यही कहना है कि न्याय जो है वो जरूर मिलना चाहिए। क्या कुछ कारण रहा, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि जो कानूनी कार्रवाई थी उस पर बाधा डालने के लिए जो है यहाँ पर उसके लिए जो है इन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिलहाल करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम सभी उन अधिकारियों से एक सवाल पूछना चाहेगी, क्योंकि काफी समय से हम लोग भी ऐसे जो है कवरेजेस कर रहे हैं कि अवैध तरीके से बनाई गई कॉलोनियों पर कार्रवाई होती है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर कॉलोनी अवैध है तो वहां पर रजिस्ट्री कैसे होती है, वहां पर बिजली के कनेक्शन कैसे दिए जाते हैं, वहां पर मीटर्स कैसे दिए जाते हैं, वहां पर पानी के कनेक्शन कैसे होते हैं, सीवरेज के कनेक्शन कैसे होते हैं, क्योंकि अगर अधिकारियों को पता है कि ये कॉलोनी अवैध है तो वहां पर ये सभी चीजें भी नहीं होनी चाहिए।
लेकिन उस समय कार्रवाई नहीं होती। जब गरीब लोग अपना आशियाना बना लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं, उसके बाद वहां पर पीला पंजा चला दिया जाता है। और ऐसा एक बार नहीं, काफी बार देखने को मिला है। तो सवाल करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम एक ये भी पूछना चाहेगी, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिनके द्वारा ये परमिशन दी जाती है, जिनके द्वारा ये कनेक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी या हर बार की तरह ये भी जो है ठंडे खाते में चला जाएगा। फिलहाल लगातार लाइव तस्वीरें हम लोग आपको इस समय करनाल के जिला सचिवालय के बाहर से दिखा रहे हैं, जहां पर आप लोग देख सकते हैं शहरवासी बलविंदर सिंह के जो परिवार के लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, न्याय मांगते हुए जो है यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं। उनकी परिवार के लोग हो, बेटियां हो, पत्नी हो, बहन हो, सभी इस समय यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। उसके अलावा काफी लोग, शहर के काफी लोग भी उनके समर्थन के लिए जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार लाइव तस्वीरें करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम आप लोगों को इस समय दिखा रही है और बार बार अपील रही है कि इन तस्वीरों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए जो नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं वो भी जो है इनका यहाँ पर उनसे उनके न्याय की जो है मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। एक बैनर के तहत, बैनर के नीचे जो है न्याय दिलवाने हेतु जो धरना प्रदर्शन है वो शहर के लोग यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर लाडी जी भी मौजूद है, हम उनसे भी एक बार जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। परिवार के लोगों का, शहरवासियों का यही कहना है कि ईमानदार पार्षद हैं और इस तरीके से लोगों के लिए आवाज उठाने पर उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। आप भी यहाँ पर आज पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी? ये फादर साहब हैं बलविंदर सिंह जी के, इनकी उम्र देखो रात 50 के करीब पुलिस वालों ने इनसे आधा घंटा तक धक्के मुक्की करी। बताओ कौन सा मर्डर कर दिया था बलविंदर सिंह ने? एक गरीब आदमी की आवाज ही तो उठाई है भी उनके मकान ना तोड़ो, और मकान भी उन्होंने अपने आप बना रखे हैं। जब मकान बन रहे थे, सड़कें बन रही थी, उस टाइम सरकार कहाँ थी? उस टाइम रिश्वत लेके तो ये सारे काम करते हैं, बाद में उनको गरीब आदमी को तंग करते हैं। और गरीब के साथ खड़ा होना गुनाह है क्या? ये सरकार बुखला गई है, इनका दिमाग खराब हो गया, इनकी सोचने शक्ति खत्म हो गई है इनकी। तो हमें तो हम यही प्रार्थना करते हैं मुख्यमंत्री जी, आपसे कोई काम नहीं चल रहा तो आप इस्तीफा दे दीजिए और कोई बन जाएगा मुख्यमंत्री। तो आप देख सकते हैं बलविंदर सिंह जी के पिताजी यहाँ पर मौजूद हैं, इनके पैर में आप देख सकते हैं खून के निशान हैं। परिवार के लोगों का लगातार कहना है कि कल इनके साथ भी जो है बदतमीजी की गई, मारपीट की गई, उनकी बेटी जो कि सड़क पे गिर गई थी उनके ऊपर से पुलिसकर्मी निकल कर उनके पिता को जो है गिरफ्तार कर ले गए। बलविंदर सिंह जी के पिता की इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं, इन बुजुर्ग के ऊपर भी जो है हाथापाई यानी कि धक्का मुक्की जो हुई जिसके बाद इन्हें भी चोटें आई हैं। उनसे एक बार हम जानना चाहेंगे सर क्या कुछ कहना चाहेंगे। बेटा रात दे छाटे जा रहा हूँ, एक बहन मैं छुट्टा पिया था, मैं छुट्टा पिया था, सारे पार्टी 30-40 आदमी अद्धा घंटा मारपीट करते हैं, तो गरीबों के साथ वो खड़े थे, गरीबों के हक के लिए खड़े थे। ऐसा बलविंदर सिंह आज तक गरीब की मदद करता है, सब शहर में बोला है, उन्हें कभी किसी वास्ते माड़ा काम नहीं किया। हालत हुई खट्टर सरकार ने की है, धी पुत्र दूजा समझे कोई। तो आज शहर के लोग भी पहुंचे हैं समर्थन के लिए और यही कहना है इंसाफ मिले। हाँ जी, तो क्यों लेके गए? ये कॉलोनी के रहने आए थे, कॉलोनी से रोक क्या के बोला के हाथों भाई हुई के नहीं हुई, गोल बना लेंगे ने बना को सच राम उठा ले। तो आज कहाँ पहुंचे आप? हाँ आज आज कचहरी पहुंचे हैं, रात एसपी द्वारे भी गए था, एसपी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी, सारा काम एसपी ने खट्टर ने कराया। इस खट्टर में ये पूछो, ये मेरा घर 10 बारी गया था, बापू जितना अपने छोरे की मत करिए मेरी कर, मैं यदि मत की हर बूथ के उत्ते मर जाऊंगा, तो मेरे बन के अब मिनिस्टर बन के मेरे पुत्र उठाऊंगा। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना आपको सरकार छाड़ी पास से होगा टी पुत्र तेरा कौन लोकल को याद ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरनाम सिंह। तो ये आपने देखा गुरनाम सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर।
मौजूद थे जो कि बलविंदर सिंह जी के पिता हैं और उनका भी यही कहना है कि उनका बेटा यानी कि बलविंदर सिंह जो कि सभी लोगों जो उन लोगों के घरों को बचाने के लिए यानी उनको तोड़ने से रुकवाने के लिए जो है वहां पर पहुंचे थे और उनको फिलहाल हालांकि कल जिस तरीके से हमने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया था उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और आज परिवार के लोग हों शहर के लोग हों वे जो है विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और न्याय की मांग जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें हम लोग आपको लगातार इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर दिखा रहे हैं और आप लोगों से अपील बार बार यही है कि इन तस्वीरों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिला सचिवालय के बाहर से आप लोग ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर पुलिस दल बल भी मौके पर मौजूद है ताकि सभी कानून व्यवस्था का भी जो है यहां पर ध्यान जरूर रखा जा सके। परिवार के लोगों का फिलहाल यही कहना है कि कल जब वे लोग एसपी साहब से मिले थे तो उनके द्वारा भी कोई आश्वासन नहीं दिया गया था जिसके बाद आज शहर के लोगों के साथ वे यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिल पाई है कि उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और बेल के लिए कल जो है अर्जी लगाई जाएगी। इस समय करनाल के जिला सचिवालय के बाहर से आप लोग लगातार लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर। कल भी हम लोगों ने आपको तस्वीरों में दिखाया था किस तरीके से जब अवैध कॉलोनी पर पीला पंजा चल रहा था तो उस समय स्थानीय पार्षद बलविंदर सिंह वहां पर पहुंचे थे और उनके द्वारा यही एक अपील की गई थी कि अब हम कवर कहाँ से करें जी? कवर को लगातार कवर कहाँ से करें? आपने साइड दे दिया मुझे बताइए। साइड दे दो इनको, पत्रकार को साइड दे दो, ये लड़कियों को साइड दे दो। सरदार साहब कवर ही नहीं करते दे रहे हो आप जी। बेटे से काम करने नहीं है गलत अब तुम भी मारे बेटे हो। हम नूनी कुंद तुम मारे को नहीं बेटा, तुम भी माया तय पैदा हो रहे हो। फिर सब गलत काम नहीं करना चाहिए।